लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ मॉक कैट H1 पॉइंट सेक्शन स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एज पर द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यू ऑल आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी एन इजियर वन राइट स्टार्टिंग विद द सेम क्वेश्चन नंबर वन समथिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम यू कुड हैव स्किप इट फॉर नाउ पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर टू फंक्शंस पार्ट थ्री में डाल दीजिए स्किप इट फॉर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री SICI पार्ट वन में डाल दीजिए करना है 100% क्वेश्चन नंबर फोर टाइम स्पीड डिस्टेंस 100% करना है पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव टाइम एंड वर्क 100% करना है पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स समथिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम यू कुड हैव स्किप इट फॉर नाउ पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन AMGM स्किप इट फॉर नाउ पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर एट एवरेजेस करना है 100% पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन I guess something like time and work, because actual वो concept नहीं but related to it you could have attempted it part one में डाल दीजिए question number tenth again time and work you could have attempted it part one में डाल दीजिए question number 11th quadratic equation skip it for now part two में डाल दीजिए question number 12th profit loss and discount you could have attempted it part one में डाल दीजिए question number 13th I guess ratios you should have attempted it part one में डाल दीजिए question number 14th मेंसुरेशन स्किप इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 अगेन इक्वेशंस पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 प्रॉफिट लॉस अटेम्प्टेड पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 इट इज समथिंग फ्रॉम एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्किप इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 एलिगेशंस मिक्सचर्स यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट फॉर नाउ पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 एलिगेशन मिक्सचर यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्किप इट फॉर नाउ पार्ट टू में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 लॉग स्किप इट फॉर नाउ पार्ट टू में डाल दीजिए ओके डन विद द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था थर्ड थर्ड ओके बताने का है किसी को नो सर एनीवन एनीवन नो सर नो सर फोर नेक्स्ट एनीवन बताना है किसी को नो सर यस सर नो यस चलो फाइन लेट्स चेक इट आउट देखो देवर टू स्विमर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट एंड द फर्स्ट मीटिंग वाज 200 मीटर फ्रॉम वन एंड द सेकंड मीटिंग इज 50 मीटर फ्रॉम अदर एंड आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग द स्विमर रीच द ऑपोजिट एंड एंड रिटर्न एंड मीट अगेन फाइंड द लेंथ ऑफ द पूल द फॉर्मूला इज vx vx माइनस माइनस बहुत सारे लोगों को पता होगा कईयों को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है x इज गोइंग टू बी द लॉन्गर डिस्टेंस y इज गोइंग टू बी द शॉर्टर डिस्टेंस आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने जिन्होंने भी किया है उन्होंने शॉर्ट ट्रिक लगा के किया है नहीं किया बट ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है फॉर दिस क्वेश्चन करना क्या है वो समझा देता हूँ अगर दो स्विमर से जो ऑपोजिट एंड से स्टार्ट होते हैं पहली मीटिंग एक्स डिस्टेंस पे होती है जो कि बड़ा वाला डिस्टेंस है दूसरी डिस्टेंस वाई फ्रॉम ऑपोजिट एंड तो आपका जो लेंथ ऑफ द पूल है दैट इज गिवन बाय 3x माइनस y ये शॉर्ट ट्रिक मैंने पता नहीं आई एम नॉट श्योर मेरे हिसाब से मैंने लिखवाई होगी इफ आई हैव हाँ राइट सर हैंड लिखवाई भी है हाँ तो बस डायरेक्टली यू गेट द आंसर फॉर दिस क्लियर है जी ओके सर Shall I remove this? यस सर Going ahead. Next, please. फिफ्थ बताने का है किसी को? नो सर नो नो सर Next. एट बताने का है सर किसी एट को? नहीं नो सर आई गेस ये तो अपनी शीट का ही क्वेश्चन रखा है नहीं बताने का नेक्स्ट प्लीज नाइन नाइन बताने का है किसी को यस सर Might be a wrong selection. एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था देखते हैं बिटू वांटेड टू पेंट फोर वॉल्स ऑफ इक्वल एरियाज यानी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है गलत से लिख लिया बट स्टिल मैं बता देता हूँ ही बॉट 130 लीटर ऑफ ब्लू पेंट 164 लीटर ऑफ रेड पेंट 188 लीटर ऑफ व्हाइट पेंट अच्छा ठीक है ही पेंटेड वन ऑफ द ब्लू वॉल वन ऑफ द वॉल रेड वन ऑफ द वॉल व्हाइट एंड वन ऑफ द वॉल पिंक ही ऑब्टेन्ड द पिंक कलर बाय मिक्सिंग रेड एंड व्हाइट पेंट नॉट नेसेसरीली इन इक्वल क्वांटिटीज इफ आफ्टर पेंटिंग द फोर वॉल्स बिरजू हैड द Equal quantities of blue, red, white paints left over. What was the total quantity of paint left over? Blue कितना था उसके पास? 130. वन थर्टी Red कितना था?
वन सिक्सटी फोर एंड व्हाइट कितना था? 188 ठीक है, ही पेंटेड वन वॉल ब्लू, वन वॉल रेड, वन वॉल व्हाइट एंड वन वॉल पिंक. ठीक है, एंड ही ऑब्टेन द पिंक कलर बाय मिक्सिंग रेड एंड व्हाइट. पता नहीं कि इसमें कितना लगा, बट रेड एंड व्हाइट से उसने बनाया. ठीक है, एंड नॉट नेसेसरी इक्वल क्वांटिटीज. आफ्टर पेंटिंग द फोर वॉल्स बिल्जू हैड द सेम क्वांटिटीज ऑफ ब्लू रेड एंड व्हाइट पेंट्स लेफ्ट ओवर. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम. इट वाज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑन माय पार्ट. कंटिन्यूइंग विद इट, कोई बता सकता है कैसे होगा? एलसीएम लेके टू रिमाइंडर एच ऑफ एल यार, नहीं सॉरी नहीं प्लीज एलसीएम. और ये जो आप सब बोल रहे हो ना, ये बराबर है. मेरे को एक छोटा सा पॉइंट जो स्ट्राइक कर रहा है वो ये है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ब्लू रेड एंड व्हाइट पेंट्स वर लेफ्ट ओवर. व्हाट आगे वाज द क्वेश्चन टोटल क्वांटिटी लेफ्ट ओवर? कैसे हाँ द टोटल क्वांटिटी लेफ्ट ओवर इट्स गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3? यस सर यस सर कैन आई रिमूव दिस? हाँ कैन आई यस सर रिमूव दिस? हाँ द टू ऑप्शंस आर लेफ्ट. यस सर बराबर, इसके बाद आई वुड हैव गॉन बाय ऑप्शंस ओनली. मैं पहले पूरा मेथड बता दूंगा, एक बार ऑप्शन से करते हैं. सपोज आपकी इच्छा है जो भी सेलेक्ट करना है, 114, 192 एज ऑफ नाउ विदाउट नोइंग. 192 ले लेते हैं, चलो लेंथी होने वाला है. तो 192 अगर इक्वल बचा है, मतलब तीनों का 64, 64, 64 बचा होगा. यस सर यस सर यस सर इसमें से आपने 64 यूज बचा है, मतलब यूज कितना किया? 66. इसमें हंड्रेड से 64 बचा है तो यूज कितना किया? 100. और इस 100 में से भी कुछ क्वांटिटी एक्स यानी पिंक में चला गया होगा, रेड व्हाइट का. इसमें से 64 बचा है, कितना बचा होगा? वन ट्वेंटी फोर और इसमें वन से कुछ ट्वेंटी वाई क्वांटिटी चला गया. हाँ व्हाट इज दिस एक्स प्लस वाई? जो पिंक 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 है, से है 66 होगा. भाई ब्लू अगर 66 कंज्यूम हुआ तो पिंक भी 66 ही कंज्यूम हुआ यस सर होगा. ठीक है, हाँ इन दोनों में से, इन दोनों को ऐड करता हूं. दिस इज 224 माइनस 66, कितना आ गया? सॉरी, कोई बताएगा? तो मैं ही करूं. वन फिफ्टी कोई एट एक प्लस वाई 66 वाली चीज वापस वन बता दीजिए फिफ्टी ना बता दूंगा छोड़ देने का. अभी इसका वैल्यू बता रहा है कोई? वन 1. फिफ्टी एट सर और ये क्या है? कंजम्पशन ऑफ रेड एंड व्हाइट. और यस कंजम्पशन ऑफ रेड एंड व्हाइट तो 132 होना चाहिए था. हाँ है ना, हाँ हाँ मतलब यस दिस इज द सर रॉन्ग आंसर. सो आई गो विद दिस. ठीक है, यस चलो सर फिर जो भी आपको नहीं समझ में आता, एक्स प्लस वाई. अब आ गया आ गया अब आ गया मतलब इक्वल क्वांटिटीज है तो 66 66 सबका होना चाहिए तो एक्स प्लस वाई बराबर भी 66 होना चाहिए बराबर. ठीक है, ये अप्रोच सबको समझ में आ गई. शेल वी गो है, इस अप्रोच पे यस क्लियर? सर चलो अभी इसका एक्चुअल अप्रोच क्या होना चाहिए वो देख लेता हूँ. शैल आई रिमूव दिस? हाँ जी यस सर सर. ब्लू वन थर्टी, रेड 164 एंड व्हाइट 188. ठीक है, यस सर इसमें से एक्स कंज्यूम हो गया तो 130 माइनस एक्स रिमाइंडर बचा. हाँ इसमें से भी एक्स कंज्यूम हुआ था एक वॉल पे और वाई कंज्यूम हुआ था पिंक बनाने में. इसमें से भी एक्स कंज्यूम हुआ था एक वॉल पे और जेड कंज्यूम हुआ था पिंक बनाने में. यस हाँ, सर यस सर हाँ हाँ सर तो दिस इज 164 माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज 188 माइनस एक्स माइनस जेड. जेड वन मोर थिंग, व्हाट इज वाई प्लस जेड? 130 माइनस 6 ओह सॉरी हाँ या ना? यस सर यस सर. यस सर ये जो लेफ्ट ओवर क्वांटिटीज है तीनों इक्वल हैं. हाँ, हाँ तो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दूं और इसकी डबल से इक्वेट कर दूं तो आंसर आ जाना चाहिए. हाँ, यस सर हाँ या ना? यस यस सर सर. वाई और जेड को हटा के एक्स रख दूंगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, सॉल्व करके एक्स का क्वांटिटी आ जाएगा.
यस सर, एक्स को इधर पुट यस। करो कि लेफ्ट ओवर आ जाएगा, तो आ जाएगा। दिस हाँ, इज क्लियर, डू आई नीड टू सॉल्व दिस? नो नो नो। सर, कैन आई रिमूव दिस? यस सर, यस 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 सर। गोइंग अहेड, नेक्स्ट प्लीज। बताने 10, का है किसी को? नो सर, यस सर, यस सर, एबीसी टुगेदर वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। एबीसी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए एंड बी वर्क टुगेदर, देन दे टेक 1/3 लेस टाइम देन दैट देन दैट ऑफ सी टेक्स अलोन। 1/3 लेस टाइम, मतलब अगर सी को अकेले को 3x टाइम लगता है तो ए प्लस बी को कितना लगता होगा? एक्स मैम दे टू टेक एक्स 1/3 लेस टाइम, टू 1x एक्स कम लेते हैं तो 2x ओके लेंगे ओके ना? ओके, हाँ जी, यस सर, टू 2x। एक्स ठीक है, इफ ए एंड सी वर्क टुगेदर दे टेक 1/4 लेस टाइम देन बी टेक्स अलोन। ए और सी का जो टुगेदर टाइम है ना, फोर यार छोड़ो इसको, ऐसे नहीं करते, बेटर तरीका बता दे। पहली चीज मुझे पता है ए बी सी का टुगेदर टाइम 40 है, ठीक है, ए और बी का जो टाइम है वो 2/3 ऑफ सी है, हाँ या ना? हाँ यस सर, हाँ तो ए बी और सी का जो टाइम रेशियो है वो 2:3 है, तो यस सर, हाँ ए बी और सी का जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 3:2 होगा। यस सर, हाँ ऐसा यस, मान के चल रहा हूँ टोटल वर्क 200 यूनिट का है, चलेगा क्या आपको? चलेगा, वर्क्स, यस सर, तो एबीसी डेली का 5 यूनिट करता है, जिसमें से ए प्लस बी 3 यूनिट करता है, सी 2 यूनिट करता है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। दूसरी नहीं, बात बोल रहे हैं, ए एंड सी का जो टाइम है एज कंपेयर टू 1/4 लेस देन बी अलोन, बी के अलोन टाइम से मतलब 3/4 टाइम है, बाय तो इनका एफिशिएंसी जो 4/3 हो गया, ठीक है, डेली की 5 यूनिट होती है उसको 4/3 के रेशियो में ब्रेक कर सकते हो क्या? या फिर कैलकुलेशन और इजी करने के लिए दूसरा वैल्यू लू, दूसरा ही ले लेते हैं। दूसरे ले लेते हैं मैम। शेल आई टेक इट टू बी 1400? हाँ जी, यस सर, यस सर, डेली का 35 यूनिट करते हैं ये लोग, जिसको आप 3:2 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 21 और 14 आएगा। हाँ यस सर, एबीसी मिला के 35 यूनिट कर रहे हैं, जिसको 4:3 के रेशियो में ब्रेक करना है, तो पी का मुझे पता चल जाएगा इससे कितना यूनिट होगा, 15, 15 यूनिट। और ए प्लस सी का बोलो, यूनिट सॉरी, 20, ए प्लस 20, 20, जिसमें से सी का कितना है, 14, तो ए का कितना होगा? 6, सिक्स। बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, बी और सी साथ में काम करेंगे, कितना यूनिट करेंगे डेली का? 21, 29, 29। मैम 29, 29, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, 29, क्या हो गया मैम आपको? हाँ है ना? हाँ जी, Yes. तो यस सर, इसको बैठ के सॉल्व कर लो, या देख लो कि डिनोमिनेटर में 29 एक ही बार आ रहा ओके सर, है। क्लियर? हाँ जी, यस सर, शेल आई गो अहेड? यस यस, सर, यस रिमूव कर लो सर, प्लीज। हाँ 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 जी, यस, नेक्स्ट प्लीज। 12, बताने का है किसी को? नो सर, नो सर, नेक्स्ट, थर्टीन, बताने का है किसी को? नो सर, बोला नो नेक्स्ट, सिक्सटीन, बताने का है किसी को? इससे पहले वाले डाउट है, थर्टीन मिस्टर वेदांत, 12। सर, ये यस वाला सर, ओके नो सर। थ्री फ्रेंड्स आप प्लेइंग अ कार्ड गेम, ये कहां से डाउट आ गया? दे स्टार्ट विद द सम ऑफ मनी इन द रेशियो 765
एंड फिनिशेस विद द सम ऑफ मनी इन द रेशियो 654 इन द सेम ऑर्डर एज बिफोर वन ऑफ देम 1 12 रुपीज हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट विद। यार वेदांत एक बात बताओगे, यस सर। जैसे 3 लोग कार्ड गेम खेल रहे, हाँ तो अगर पहले वाला ने 100 रुपए जीता, दूसरे वाले ने 200 रुपए जीता, तो तीसरे का लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा? लॉस कितना? 300। मतलब मोटा मोटी रुपए बाहर नहीं जाता, हाँ यस जितना लगाया था सब मिला मिलू के सबके पास उतना ही वापस आएगा। सर। पहले आपके पास था 765 बोले तो 18 पार्ट करने था, अब आपके पास है 654 बोले तो 15 पार्ट करना है। 18 15 का एलसीएम मैं लूंगा तो मेरे हिसाब से आएगा 90। कैन आई अज्यूम 90 से छोटा आ सकता है? नहीं। कैन आई अज्यूम 90x का पैसा था मेरे पास? यस अगर 90x का था तो 765 के रेशियो में डिवाइड करेंगे 35x 30x 25x, हाँ या ना? यस सर। ये स्टार्ट किया था लोगों ने इसके साथ, जब फिनिश किया तो 654 यानी 15 के रेशियो में 6x 36x 65x 30x और 24x, ये इस पे एंड किया होगा। सो मिस्टर वेदांत, प्रॉफिट किसका हुआ था, ए का, बी का या सी का? ए का, वेदांत ए का, बताएगा। वेदांत कितने का, किसका प्रॉफिट हुआ था, कितना? ए का 1x। और ऐसा दे रखा है कि एक दोस्त ने 12 रुपए कमाए, मतलब एक्स इक्वल टू 12, हाँ या ना? यस हाउ मेनी रुपीज डिड ही स्टार्ट विद, उसने कितने रुपए से स्टार्ट किया था? 35 इंटू 12, हाँ या ना? यस यस चले आगे, यस सर। पक्का? यस सर। चलो लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट प्लीज। 16। ये तो रिमूव कर दूं ना, हाँ जी 16। सर। 16। बोलिए, बताना है किसी को? नो सर। एनीवन? नो सर। चलो गोइंग अहेड, नेक्स्ट प्लीज। 17। 17। बताना है किसी को? यस सर। यस। देख लेते हैं। अ मैन हैड 10 गैलन केग ऑफ वाइन एंड अ जग। वन डे ही ड्रू ऑफ अ जग फुल ऑफ वाइन एंड फिल्ड अप द कैग विद वाटर। लेटर ऑन व्हेन द वाइन एंड वाटर हैड गॉट थरली मिक्स्ड ही ड्रू ऑफ अनदर जग फुल ऑफ एंड अनदर अगेन फिल्ड अप द कैग विद वाटर। द कैग देन कंटेन्ड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर। व्हाट वाज द एप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ जग? मैम किस पे लगेगा ये रिप्लेसमेंट फॉर्मूला, वाइन पे या वाटर पे? वाइन वाइन। दे हैड अप्रोक्सीमेटली सॉरी दे कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर। फाइनली वाइन लेफ्ट वॉज 1/2। सॉरी मैडम 5 गैलन्स, 10 गैलन का था ना पूरा कैग। सॉरी सर। फाइव। इनिशियली हाँ वाइन वॉज, टेन। टोटल क्वांटिटी 10, क्वांटिटी रिप्लेस पता नहीं, टोटल हाँ क्वांटिटी 10, और कितनी बार किया, 2 बार, हाँ या दो ना? बार। हाँ दिस इज 1/2, ठीक है? रूट उधर ले गया, 1/√2। हाँ 10 माइनस मैं एक्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 10/√2 इक्वल टू 10 माइनस एक्स, हाँ है ना? 10/√2 होता है 5√2, हाँ और रूट टू होता है 1.4, 1.4 इंटू 5 7, तो एक्स इक्वल टू 3। थ्री अप्रोक्स। शैल बी गोइड, यस सर। यस सर। विल आई रिमूव दिस? हाँ यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 19। बताने का है किसी को? यस सर। लेट्स चेक इट आउट। देयर इज 20% वाटर इन रॉ राइस। व्हेन द राइस इज बॉइल्ड इन वाटर द परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स। इफ 200 ग्राम ऑफ बॉइल्ड राइस इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ पर्सन, वी नीड टू सर्व 30 गेस्ट। द क्वांटिटी ऑफ रॉ राइस रिक्वायर्ड इज, मैम देखिए ये आपका रॉ राइस है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, बॉइल्ड बोल राइस। रही कैसे, वाटर बॉइल्ड ऐड गए। करके? रॉ हाँ सर। राइस कितना था पता नहीं,
200 ग्राम ऑफ बॉइल्ड राइस इज रिक्वायर्ड। अच्छा वो भी नहीं पता, नो इश्यूज। यहाँ पे रॉ राइस में 20% वाटर है, तो राइस कितना है? 20, 80, 80 परसेंट 60, बॉइल्ड राइस में वाटर कितना है, फोर्टी, तो राइस कितना होगा? फोर्टी, यहां तक कोई नो दिक्कत? लेट सपोज सर, आपने 100 ग्राम रॉ राइस लिए, इस पूरे प्रोसेस में आप केवल वाटर ऐड कर रहे हैं, राइट? व्हाट कैन आई कमेंट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ राइस? सेम रहेगी सेम रहेगी राइस बिल्कुल। की क्वांटिटी, सौ सेम में से रहेगी 100 ग्राम में से 80% राइस था, राइस कितना था? 80, एटी 80 ग्राम। और अगर यहाँ पे 80 ग्राम था तो यहाँ पे भी 80 ग्राम होगा, बट नाउ दिस 80 ग्राम इज ओनली 40%। तो बॉइल्ड राइस कितना हो गया टोटल?32, क्या बकवास कर रहे, नहीं सॉरी सर, 200, 200। ये समझ में आया नहीं यार? हाँ जी, आ गया। तो मेरे को जब 200 ग्राम बॉइल्ड राइस चाहिए, मुझको 100 ग्राम रॉ राइस देना पड़ेगा, है ना? मेरे पास 200 ग्राम एक बंदे को लगता है, वैसे 30 लोग हैं, इतना बॉइल्ड राइस चाहिए, तो मेरे को इतना रॉ राइस देना पड़ेगा। दिस इज 3 kg, ओके सर, हाँ क्लियर है? कैन यू गाइड? जी, नमस्ते सर, एक बार इसको ब्रीफ कर देगा, नेटवर्क इशू हो गया था बीच सॉरी में। एक बार इसको स्टार्टिंग समझा दो, क्या वो अटक गया था बीच में? सर, देखिए मैं बोल रहा हूँ, रॉ राइस को बॉइल्ड राइस में कन्वर्ट करने के लिए वाटर ऐड करना है, बराबर? रॉ हाँ राइस में 20% वाटर है, तो 80% राइस होगा। यस सर, बॉइल्ड राइस में परसेंटेज ऑफ वाटर 3 टाइम्स, मतलब 20 की जगह 60 है, तो रॉ राइस होगा 40%। हाँ सर, मैंने 100 ग्राम बॉइल्ड राइस, रॉ राइस लिया जिसमें 80 ग्राम राइस था, तो यहाँ पे भी 80 ग्राम राइस होगा, बट दिस इज ओनली 40%। यस सर, तो टोटल क्वांटिटी टर्न्स आउट टू बी 200 ग्राम। तो जब मेरे को 200 ग्राम हाँ बॉइल्ड राइस चाहिए, तो मेरे को 100 ग्राम रॉ राइस देना पड़ेगा। हाँ यार, हाँ जब मेरे को एक बंदे को सर्व करने के लिए 200 ग्राम चाहिए, तो 30 बंदे को सर्व करने के लिए 200 x 30 चाहिए, ये बॉइल्ड राइस है, तो मेरे को रॉ राइस कितना देना? 100 x 30, हाँ समझ गया सर, दैट इज 33। शैल आई रिमूव दिस? यस यस सर, यस सर, ट्वेंटी नेक्स्ट प्लीज, बताने का है किसी को? नो यस सर, सॉरी, किसी ने यस बोला? हाँ जी, यस सर, हम रिप्लेसमेंट फॉर्मूला आता है आपको, किस आता है सर, पे लगेगा? मैं अल्कोहल, अल्कोहल। अरे इसमें रिप्लेसमेंट लगेगा, लेट मी चेक, टू मिक्सचर है फोर ना, देख लेता वही हूँ, तो मिक्सचर रिप्लेस हो रहा है। क्यों नहीं लगेगा, आराम से मस्त लगेगा। मैम इनिशियली अल्कोहल कितना था? 900 मिलीलीटर्स ml, नहीं फाइनली वो तो नहीं पता ना, तो नहीं पता, टोटल क्वांटिटी इलेवन वन ट्वेंटी पॉइंट फाइव अब पर देखो सुनो मेरे को, इसको मैं 1125 दूं, उसमें से 20% सब्ट्रैक्ट करूं, इससे बढ़िया 100 - 20 कर दूं क्या? सब कुछ परसेंटेज में ले लेता हूँ, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, पावर टू। लेकिन हाँ सर यार आपने 900 तो फैक्ट वैल्यू ले ली ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, ये रेशियो है, कैंसिल हो के सब कुछ बराबर होने वाला है। रेशियो के साथ द बेस्ट पार्ट इज कि यूनिटलेस होता है, आप चाहे यहाँ पे परसेंटेज में लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। मैं करके बताता हूँ, आप बोल रहे हो 1125 -80% ऑफ 1125 अपॉन 1125, हाँ है ना? यस सर, दिस इज 0.2 इनटू 1125 अपॉन 1125, हाँ है ना? सॉरी एक सेकेंड, 20% होगा, ये 0.2 होगा और ये 0.8 होगा, हाँ है ना? यस सर, ये कट गया 0.8, यानी 8/10 यानी 4/5, और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 4/5 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? यस सर, ओके फाइन, सो दिस इज एक्स बाय 900 इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर, 16/25, 25 से गया कितनी बार में, 36,
छत्तीस इंटू 16 होता है 6 चौके 24, 576। ओके आपका सोल्यूशन था 1125, जिसमें से 576 एल्कोहल है। वाटर कितना है, करेगा कोई यस हम बताइए प्लीज। फाइव फोर्टी नाइन 549 आउट ऑफ 1125 इंटू 100 हम निकाल के बताएंगे प्लीज। 48.8। पक्का? हाँ सर That is a great answer. अरे दीक्षा ने अभी ज्वाइन थैंक किया। यू सर। दीक्षा आपने अभी ज्वाइन किया? मैडम हाँ सर मैंने अभी ज्वाइन किया है लेट कैसे? देखिए सर, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी, अभी आई है। ये कोई बात थोड़ी ना होती। वेदांत को एक डाउट आ रहा था मैडम कार्ड्स वाला, मेरे को समझाना पड़ा। सर मेरे फोन पे भी 3% ही था, इसलिए मैं ज्वाइन ही नहीं कर अरे तो पाई। वेदांत को एक डाउट था मैम, डाउट था कार्ड्स के क्वेश्चन का, मेरे को समझाना पड़ा आपकी जगह। कब करता रहूंगा मैं? नेक्स्ट प्लीज चलो फोन फोन बोल दिया बोलिए। मैंने। क्वेश्चन नंबर वन वन नो 1 बताने का है किसी को? सर सर बताना है। यस ये अटक गया सर, अरे कैलकुलेशन यार मिस्टेक हो गया सर, क्या कैलकुलेशन सॉल्व मिस्टेक नहीं हो, हो। बताना है ना। 50 नेचुरल नंबर्स आर रिटर्न सच दैट द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 50। कोई से भी दो उठाऊंगा हमेशा सम का 50 ही आएगा। 30 टर्म 30 है, तो हाँ इससे पहले वाला टर्म कितना होगा? क्योंकि ट्वेंटी सम 50 लाना है, ट्वेंटी इससे पहले वाला कितना होगा? हाँ थर्टी उससे पहले वाला, उससे ट्वेंटी अच्छा पहले वाला, हो नहीं जाएगा थर्टी। पूरा करके बताऊं नहीं, यार। तो नेक्स्ट प्लीज। सिक्स बताने का है यस सर सर यार, वेदांत के तो क्लास में डिस्कस किया था अपन ने उस दिन। हाँ सॉरी सर कर दिया सॉरी सर। तो बता दो सर भाई एक कर बार। कौन सी गुफाओं में बैठे हो, बाहर आ जाओ, इको हो रहा है तुम्हारा वॉइस। भगवान लिया था अभी ध्यान आया। की तपस्या करने चले गए क्या? उनकी तपस्या करी थी जब भी बाकी के क्वेश्चन निकल गए थोड़े। करते रहो कैट तक तो कम से। हाँ भाई नेक्स्ट प्लीज। अरे वाला बता दो क्या एक बार लेकिन। कोई ना बता देते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 10,000? यार 100 एंड 10,000 के बीच की बात कर रहा है, मतलब या तो ये 3 डिजिट नंबर होगा या 4 डिजिट नंबर होगा। पहले यस सर 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 9। अब 2 9 है, मैं एक काम करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे 9 को फिक्स कर देता हूँ, कर दूँ। हाँ सर इन दोनों में से कौन सी एक पोजीशन पे 9 आ सकता है? 2C1 आया ना, हाँ सर उस पे 9 को बिठा दो। बाकी दूसरी पोजीशन पे कितना ऑप्शन बचा? क्योंकि नाइन सर 8 9 का 0 तो आ नहीं सकता, 9 तो वापस आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0, 9 ऑप्शन बचे। हाँ या ना? हाँ सर दूसरा केस, यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है? नाइन एंड बाकी दोनों जगह पे 9 9 ही डालना पड़ेगा। यस सर इस पे आते ही 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट की बात करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो गया मेरे हिसाब से 18, ये हो गया मेरे हिसाब से 9, 4 डिजिट की बात करते हैं। यहाँ पे 9 फिक्स कर दिया, सॉरी। एक मिनट सर, ये ना सेकंड वाले केस के आपने क्या बताया? मैडम यहाँ पे 9 नहीं रख रहा हूं, हाँ तो कितना ऑप्शन सर 8 ऑप्शन होगा ना, 0 नहीं आएगा 8 ना। बोलो ना यार, तुम लोग क्या बकवास करते रहते हो। सॉरी मैम, ये बेवकूफ बच्चे मैम ये लिखवा देते, मेरे को ध्यान नहीं रहता इतना। अभी ओके सर क्लियर है? खुद हाँ जी का 14 प्लस 15 21 चलता है, मेरी मिस्टेक ढूंढ रही है। अरे यार मेरे को समझ नहीं आया इसीलिए बोल रही हूँ अरे सर इट्स ओके, इट्स गुड इनफ, आपने सर। बता दिया, नहीं तो एक आंसर और गलत डाउट। आता, फिर मेरे को पूरा चेक करना पड़ता। थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं, सुनो एक और डाउट था। यस मैम बोलिए। ये आपने जब ए को कंसिडर किया तो आप 100 स्टिचेस पे देख रहे हो, फिर आपको दूसरा वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं सॉरी कम अगेन, मेरे को समझ ही नहीं आप क्या बोल।
एम सेइंग कि अगर आपने 100 प्लेस के ऊपर में आपने 8 पॉसिबल ऑप्शंस देख रहे हैं ना अपन, बराबर तो इसके अलावा बाकी कोई और केस नहीं बनेगा इसके में। नहीं बनेगा, तो समझा देता हूँ क्या है। आपको इस नंबर में 2 9 रखने थे और यहाँ पे अभी तक 9 आया नहीं है, हाँ वानी दोनों क्वेश्चन पे 9 ही आएगा, हाँ हाँ एक ही तरीका है अच्छा ना। ओके ओके ठीक है सर। चलिए फाइन, हाँ जी कोई नहीं। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 9 रख दिया, अभी बाकी 3 में से किसी भी एक पोजीशन पे 9 आ सकता है, उस पे 9 रख दो, बाकी दोनों पोजीशन के लिए 9 × 9 ऑप्शन बचेगा। फर्स्ट हाँ पोजीशन पे 9 नहीं आ रहा है, कितना ऑप्शन है, 8 8, बाकी 3 में से किसी भी दो पोजीशन पे 9 आएगा, 9 रख दिया, आखिरी पोजीशन पे कितना ऑप्शन बचा, नाइन दिस इज 9 9 जा 81, 3 जा 243, इट इज 9 8 जा 72, 3 जा 216, सर लास्ट में 8 × 8 नहीं होएगा? कर दिया ना मैडम ये 8। नहीं, लास्ट वाला 9 जो मैम लिखा है आपने। एक पोजीशन के लिए आपने 8 ऑप्शन कंसिडर कर लिए थे, इन हाँ दोनों पे 9 है, उस पे 9 ही ऑप्शन बचेगा, अच्छा हाँ सॉरी सर, 400 459 459 है और दिस इज 26। बैठिए क्या, बैठिए बैठिए, क्लियर टू ऑल, यस यस सर। सर, ऐश्वर्य क्लियर है, सर मतलब हाँ मान लो बाकी कर मानवा तो जी सर, नेक्स्ट प्लीज, सेवन बताने का है किसी को, बताने यस सर ये वाला बता दो। यस सर, ठीक है, द जीएम एंड एएम ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, जीएम क्या होता है रूट ए बी और एएम क्या होता है, ए प्लस ए बी प्लस बाय बी बाय टू टू, तो ए बी कितना हो गया नाइन ट्वेंटी और ए प्लस बी कितना हो गया, सर 10 ही होगा ना वो तो, सर वो 5 होगा ना। सॉरी यहां तक कोई दिक्कत, नो सर कैन आई अज्यूम द नंबर्स टू बी 9x एंड 1x, यस सर, यस सर ये x क्यों लिया मैंने, सर क्योंकि रेशो रेशियो था इसमें, रेशियो में था ना। बिकॉज ये 3x है, यू आर नॉट श्योर ऑफ इट कि ये वही होगा, समझ रहे हो, हाँ 3:5 है। अब ऐसा बोल रखा है सम ऑफ am, am बोले तो 5x, gm, gm सर वो बोले तो, 9x² नहीं होगा क्या फिर, हाँ सर वो 9x² हो जाएगा ना। हाँ तो 9x × 1x 9x² ही तो होता है, नहीं वो नीचे नीचे भी आपने 9x नाइन एक्स लिखा हुआ है, स्क्वायर क्या और 1x। हिंदी में बोलो क्या बोलना चाहते हो, सर जो नीचे 9x और 1x लिखा है हाँ मैडम दो उसमें नंबर को भी नाइन, मल्टीप्लाई करके 9x² ला रहा हूँ, तो 9x × 1 सॉरी 9x, 9x + 1x 10x, यस नो कोई दिक्कत, सर एम जी एम, जी एम बोले तो 3x एंड 5 टाइम्स एच एम, 9x और 1x का कोई एच एम निकाल देगा क्या, पॉसिबल है तो बोलो नहीं तो मैं करूं आगे का, सर। 1 मिनट यस मैम टेक योर टाइम। सिक्स एक्स अपॉन 9x 6x/9x 9x 10x सॉरी नहीं मेरे को गलत लग रहा है, सर, 8x² क्या हो गया, 1 प्लस 9x 1+9x गलत लग रहा है, सर, 18x² अपॉन 9x सर करेक्ट 18x/10 हाँ मेरा भी आ रहा है, सबके अलग है सर है, के। 9x/5 इज द करेक्ट वैल्यू, 18x/10 को कैंसिल करोगे तो ये है, क्लियर है, हाँ कैसा है वो यस देख सर, लो, दो तरीके हैं, पहली बात तो एचएम का फॉर्मूला होता है 2a 2 × a × b b बाय अपॉन a a प्लस प्लस b, बी a प्लस बी एक यस x से सर एक x काट देने का था, ये 2 से काट देने का था, 9x/5 बहुत इजीली आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो, दूसरा दूसरा तरीका होता है am, सॉरी एक सेकेंड, am into hm equal to gm² और am 5x था, यहां से भी आप निकाल सकते हो, जो भी है क्या, दिस इज इक्वल टू 34,
ये कट गया 9 और 8 17, 17x = 34, x = 2 आया ना, बिगर वैल्यू नाइन एक्स था, 18 हो गया। कोई यस सर, दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं तो आगे चलेंगे। नो सर। सर बस एक बार वापस बता दोगे 9x/10 के बाद में? ये हमने निकाल लिया, मेरे को समझ आ गया, रेशियो दिया हुआ है, तो मेरे को 9:1 क्यों लिया ये समझ नहीं आया। मैडम आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 9 लाना था और उन्हीं को ऐड करके 10 लाना था। मैंने ऐसे सोचा, दिमाग लगा कि यार 9 और 1 को ऐड करो तो 10 आ जाता है, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाता ठीक है सर, समझ है। क्लियर है, गए। चले आगे, पक्की बात? सम ऑफ यस सर। चले AM GM रिमूव फाइव। दिस, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ हटा दूं सर मैं हटा पक्का? दो, हाँ यस सर सर, हटा थैंक दो। यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज, बताने 11। का है किसी को? यस सर। यस सर। देखते हैं, इफ पी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 5x + 7 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p - 1 p + 2 p + 6 p + 3। एक मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। चलो सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, ये क्वेश्चन चलता था, इफ पी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस 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 दिस, ओके जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर पी इसका रूट है तो एक्स की जगह पी पुट कर सकता हूँ क्या? अच्छा यस सर, चलो, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। p - 1 p + 6 और p + 2 p + 3, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। व्हाट आई विल हैव इज p² + 6x - 1x + 5x - 6, 5p - 6 p² + 5p + 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p² + 5p? -7 व्हाट इज -7 - 7 × -6 इज -7 - 6, -13 -13 -7 + 6, -1 आंसर 13 सर। Is that clear, everyone? एक क्वेश्चन, Yes, ma'am. आप अगर p² + 5p + 7 को प्रॉपर वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे, क्यों नहीं हो रहा था? हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी मैं बता देता हूँ होगा क्या। आप जब पी का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा -5 + -√25 - 28/2। हाँ जी बराबर, इसके रूट्स कैसे हाँ, आएंगे? वही तो, सर इमेजिनरी नॉट इमेजिनरी। सर इमेजिनरी, बराबर है। तो ये किसने बोला कि आपको रियल रूट है? किसी क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी बोला कि पी इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट है, हो सकता है इमेजिनरी। ओके सर, अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू निकाल के पुट करने का सोचोगे तो बेवकूफी, ऐसा पॉसिबल होगा कि नहीं। इन एनी ठीक है ऑफ द सर, सिचुएशंस यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड कैन पुट इट इन द इक्वेशन टू गेट द आंसर, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके सर। ठीक है, शैल वी गो हाँ अहेड? जी हाँ जी, यस यस सर, सर, कैन आई रिमूव दिस? यस सर, यस सर। नेक्स्ट प्लीज, 15। 15। बताने का किसी को? यस सर, यस सर, यस सर। चलो देखते हैं। क्या दे रखा सर ये शीट का क्वेश्चन है ना? अपनी शीट का? हाँ मतलब PYQ या मतलब उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर आ जाता है। पता नहीं होगा मैडम, मेरे को डटा हुआ नहीं।
आपका हो गया था, नहीं सर, फिर क्या फायदा है ये दे रखा है और ये निकालने का, बराबर कैसे यस सर, करेंगे? एनी आइडिया एनीवन? सर इसका स्क्वायर खोल दिया था मैंने तो, ए प्लस बी प्लस सी। बेस्ट सर तरीका तो आर वही एच है मेरे एस हिसाब को से, सॉल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से बेटर तरीका वही है कि ओपन द स्क्वायर। यार एक सेकंड का टाइम दोगे मुझे, एक और मैं देख लूँ। नहीं, बेटर टू ओपन द स्क्वायर होगी, ए स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4x² 4x25 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 21y स्क्वायर प्लस 1 अगेन माइनस 20x² 20xy, हाँ प्लस 10y माइनस, हाँ यस सर प्लस, हाँ माइनस 4x हाँ इक्वल टू 6xy माइनस, 9y स्क्वायर सबको उठा के इधर ले आऊं, यस सर, x² प्लस 4x² 5x² 25y² प्लस 9y² 34y² माइनस और -20xy -6xy -26xy, और इसके अलावा भी कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है? प्लस वन प्लस 10y प्लस माइनस टेन वाई प्लस माइनस फोर प्लस एक्स इक्वल 0 इक्वल टू 0 यस सर। कुछ होगा नहीं। सर अपन आर एच एस सॉल्व जो किया है 6xy माइनस 9y स्क्वायर उसको इधर ले आते तो वो एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर बनाता। इसको किधर ले आते? आर एच एस को सॉल्व जो किया है 6xy माइनस 9y स्क्वायर उसको एल एच एस में लाते तो एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर बनता। एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी सर वही तो बोल रही थी स्टार्टिंग से। सॉरी सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। एक्स स्क्वायर और आर एच एस को उठा के इधर ले आए, माइनस माइनस 6y माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y² माइनस माइनस सिक्स एक्स सिक्स एक्स यहां तक वाई कोई दिक्कत है? जीरो एनीवन नो एनीवन? सर और ये 2x-5y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है एक्स x माइनस 3y का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x-5y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जस्ट टेल मी वन थिंग, दो स्क्वेयर ऐड करके 0 कब दे सकता है? सर दोनों 0 है। जब इंडिविजुअली दोनों स्क्वेयर 0, मतलब एक्स माइनस थ्री वाई हाँ इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 3y हो गया, थ्री टू वाई एक्स माइनस 5y-1 इक्वल टू 0 पुटिंग एक्स इक्वल टू 3y 6y-y वाई इक्वल टू 1 आ गया, और वाई 1 आ गया वन तो एक्स 3 आ गया। आपसे पूछा है 2x बोले तो 6 + 3 9, 9 छुट्टी करेगी, ओके सर क्लियर है यस सर एवरीवन? शैल वी गो अहेड, यस सर कैन आई रिमूव दिस? यस सर 21 नेक्स्ट प्लीज, बताने का किसी को? नो सर सर यस सर। बता दो बता देते मैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते क्या है। इन हाउ मेनी वेज संतोष कैन डिवाइड 36 आइडेंटिकल टिकट्स अमंग 5 कैंडिडेट्स सच दैट ईच कैंडिडेट गेट एन इवन नंबर ऑफ टिकट, ऑल्सो ईच कैंडिडेट गेट्स एटलीस्ट वन टिकट और इवन नंबर ऑफ टिकट। पहले कितने की टिकट दे दूं? सर सर दो 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 सबको, सबको 10 गई, सबको दो दो दे दी, 10 गई क्या? यस सर 26 ट्वेंटी सिक्स बची। मैम आपको बताया था इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते तो कैसे करते हैं? नहीं बताया था? चारुल आपको बचे याद है? सर दो दो का पेयर बना देंगे। सबको पेयर बना के रख दो ना मैम, जैसे कोई लेने आएगा पेयर उठा के हाँ देना। हाँ सर 26 ऑब्जेक्ट है, कितना पेयर बनेगा? 13 13 13। और 5 लोगों में डिवाइड करना है, पार्टीशन कितना डलेगा? ऑफ आंसर क्या आएगा?
सेवेंटीन थ्री थर्टीन पॉइंट प्लस ठीक है सर। क्लियर एवरीवन? ओके यस सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो लेट्स गो अहेड नेक्स्ट प्लीज। 22 बताना है किसी को? बताना है क्या? सॉरी किसी नो सर, को भी नहीं पूछनी नो है? बता सर, दूँ सर। चलो यस देख सर। लेते। बच्चे बोल रही है अगर तो प्राइम करो। अरे तुम एक बार क्लैरिफाई कर दो, इनको घबराते हो क्या? बाबू पीछे की ओर करके बैठता हूँ उनके सामने। बातें क्यों मीटिंग में बोलना तो पता नहीं रहता। A1/2 को उठा के इधर ले जाओ सर। ले जाओ सर। यहाँ पे लगा यस दूँ क्या? ठीक सर। है, log A+log B का फॉर्मूला लगा दूँ। यस log सर। से log काट दूँ। यस सर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू K-14 इंटू एक्स वाई। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। नहीं है सर। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू K-14xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू K-16xy। यही होगा ना? सर के एक्स वाई माइनस सर 14xy नहीं लिखेंगे क्या? नहीं सॉरी, हो जाएगा। लो मैडम पैसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो नहीं चलो सर, ऐसे ही सही है। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के बताने का है ना। के को मिनिमाइज करने के लिए एक्स को मिनिमाइज करो। यार एक बात बताओ, मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है इसका और भी कुछ तरीका हो। मैं सिंपल सा ये समझना चाहता हूँ कि अगर के को मिनिमाइज करने का है तो डोंट यू फील लाइक एक्स वाई को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा? क्योंकि अगर एक्स यस स्क्वायर सर। बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस बढ़ेगा, और सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को मिनिमम कितना ले सकते? अभी 0 0 मत लेना, उससे के डिफाइन ही नहीं होगा। सर वन 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 1 1 ले लो इंटीग्रल में, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा आपका? टू टू इक्वल टू K-16 इंटू 1। किसी को ये सब नहीं करने का था, डायरेक्टली यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। बताने का है किसी को? बताओ नो सर। एनीवन। नो सर। नो सर। तुम यार एक काम करो ना, बाकी बच्चे लीव कर दो ना, दो बच्चों को जवाब हाँ है ना बोलना है। मैं बेवकूफ हूँ क्या साला? रात को 8 बजे बैठ के तुम लोगों का सेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, और तुमसे हाँ ना नहीं बोला जा रहा है।
क्यों आते हो यहाँ पे शक्ल दिखाने? किसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे से? तुमको समझने का है नहीं, रिप्लाई करने का है नहीं, कुछ आता है नहीं। प्लीज लीव द मीटिंग इन केस यू कैन नॉट टर्न ऑन योर माइक एंड कैन रिप्लाई विद यस और नो, एल्स आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग एंड वंस आई विल रिमूव यू यू वोंट बी एबल टू जॉइन बैक द मीटिंग। सेम मजाक लगा रखी है यार, साले 1 घंटा हो गया हाँ ना नहीं बोला जा रहा तुम लोगों से यार। अगर ऑडियो ऑन करके रिप्लाई कर सकते हो तो मीटिंग में रहो, नहीं तो लीव द मीटिंग राइट नाउ। डाउट्स तुम लोगों के हैं ही नहीं यहाँ पे। अगर दो बच्चे भी बढ़ेंगे बचेंगे सफिशियंट इनफ, आई विल टीच टू स्टूडेंट्स, आई एम फाइन विद दैट। मजाक लगा रखी है यार। डाउट है किसी का? कुछ नंबर टू? नो नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नेक्स्ट। सर, 14 14 बताना है किसी को? यस सर, यस सर, यस सर, अ टैंक इंटरनली मेजरिंग दिस 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 हैज 360 सीसी वाटर इन इट, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है सीसी। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द टैंक इज फिल्ड अप टू द ब्रिम। पोरस ब्रिक्स का क्या रोल होगा? एनीवन? वाटर सर वॉल्यूम जो अब्सॉर्ब करेगा वो वाटर. एब्जॉर्ब कर लेगा पोरस ब्रिक्स। ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स वाटर व्हिच इज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द साइज दिस 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 कैन बी पुट इन द टैंक? टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना था? 15 into 12 15 into 12 into 10 आंसर 18 800। 1800 इनमें से वाटर ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा था? 360 cc, थ्री सिक्सटी सी सी फिफ्थ 5 3। अच्छा सॉरी सर 360 थ्री कितना वॉल्यूम सिक्सटी बचा फोर्टीन हुआ था? फोर्टी अब सर आपने ये क्या किया सीसी और सेंटीमीटर में कोई मैम? सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक अच्छा ओके 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 है, आपने क्या किया? ब्रेक डाला, यस सर जैसे ही एक ब्रिक गया उसका वॉल्यूम कितना था? 1 2 3 4 सॉरी, 5 into 4 into 2 40। एक ब्रिक का वॉल्यूम था 40, राइट? 40 और ये 40 वाले वॉल्यूम ने क्या किया? तो वन टेंथ वन वाटर अब्सॉर्ब टेंथ कर अच्छा, गया जैसे ही इसमें एक ब्रिक गया तो +40 हुआ वॉल्यूम में, लेकिन -4 भी हो गया। समझ में आया? यस सर हाँ तो इफेक्टिवली एक ब्रिक का वॉल्यूम 36 36 ही रह गया, हाँ और उनके पास इतना वॉल्यूम अवेलेबल है। कितनी ब्रिक्स जा सकती हैं? क्लियर 40 है? यस सर यस सर, शिल बी गो अहेड? यस यस सर सर। नेक्स्ट प्लीज। सर 18 18 लास्ट बताने का है, किसी खत्म को हो गया। यस यस सर सर, नो नो सर नो सर सर। नो सर एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री एक्स लिख लो। प्लस वाई इक्वल्स टू 3 यस सर एक्स को 0 वाई, थ्री थ्री एक्स को 3 वाई, जीरो जीरो जीरो। जीरो ये आपकी बन गई लाइन। यस सर हाँ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -3, तो एक्स ये इक्वल्स टू वाली। 3 एक्स ओके को सर 0 वाई, माइनस थ्री और एक्स को वाई को 0 एक्स, माइनस थ्री ये आपकी माइनस दूसरी थ्री लाइन बन गई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, एक्स को 0 वाई, माइनस सॉरी, माइनस वन एक्स को वाई को 0 एक्स, माइनस -1, वन ये माइनस वन आपकी तीसरी लाइन बन गई। एक्स माइनस वाई -1 इक्वल टू 1, एक्स को 0 वाई, वन माइनस वन माइनस माइनस एक्स वन को 1, वाई को 0 एक्स, वन आपकी वन वन चौथी लाइन बन गई। क्या बताने का है? इसका एरिया बताना है। ये कितना डिस्टेंस है? सर हाफ है ये उस पूरे का ये डिस्टेंस कितना है? फोर फोर बी से -1 तक जा रहा हूँ, 4। हाँ एरिया यस ऑफ स्क्वायर सर होता है हाफ डी स्क्वायर। हाफ डी स्क्वायर हाँ सर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन का हाफ, सिक्सटीन बाय टू एट क्लियर एट ओके सर है?
यस सर सर हमको जब यस ऐसे सर दिए हुए होते हैं ये, तो हमको बस एक को जीरो रख के और दूसरे की निकालनी होती है यस ना मैम, लाइन बनानी एक। होती है फिर बहुत इजीली हो हाँ जाता है उसमें। एक, अच्छा एक वो पहले भी आया था सर हमारे मॉक में। हाँ 100% ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत। ठीक है ठीक है। शैल आई रिमूव दिस? यस यस सर यस सर सर यस सर नेक्स्ट प्लीज। सर खत्म हो गया। सो फाइनली विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ एबिलिटी 10 मॉक कैट H1 पॉइंट सेक्शन।